latest South movie updates, Hindi dub movie updates, South movie reviews और South movie dialogue translations के लिए आज ही subscribe कीजिए Crazy 4 Movies channel को और इस bell icon को दबाइए। Welcome friends, आप सभी का स्वागत है Crazy 4 Movies में। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नितिन की मूवी लाई और अल्लू अर्जुन की मूवी डीजे को एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थिएटर्स में रिलीज करने वाली है। तो दोस्तों आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए और ये सोचने लगे कि नितिन की मूवी लाई को आरके डिजिटल स्टूडियोज ने डब किया है और तो क्या डीजे को भी आरके डिजिटल स्टूडियोज ही डब कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीजे की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने खरीदा है। दोस्तों बहुत फर्क है किसी मूवी के राइट्स को खरीदने में और उसको थिएटर में रिलीज करने के। इसीलिए दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि साउथ मूवी की डबिंग की पूरी प्रोसेस कैसे चलती है शुरू से लेके अंत तक, और आपको बताऊंगा कि क्या फर्क है प्रोड्यूसर, डबिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर में, और किन किन स्टेज से गुजरने के बाद एक साउथ मूवी हिंदी में डब होके थिएटर या यूट्यूब पे रिलीज होती है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, हम आपको देंगे वो हर जानकारी हिंदी डबिंग से जुड़ी जो हर एक हिंदी डब मूवी देखने वाले को जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हिंदी डबिंग का सबसे पहला स्टेज होता है कि भी साउथ मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को खरीदने का। दोस्तों इस स्टेज में सबसे पहले कोई भी कंपनी जैसे कि गोल्डमैन टेलीफिल्म्स, आरके डिजिटल स्टूडियो, आदित्य म्यूजिक किसी भी साउथ मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को उसके असली प्रोड्यूसर से खरीदती है, और जो कंपनी इन राइट्स को खरीदती है उसे हम प्रोडक्शन कंपनी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे डीजे के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्डमैन टेलीफिल्म्स ने उसके तेलुगु प्रोड्यूसर यानी दिल राजू या उनकी प्रोडक्शन कंपनी से खरीदा है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज जहाँ पे मूवी की डबिंग होती है। दोस्तों यहाँ पे जिस प्रोडक्शन कंपनी के पास मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स होते हैं वो डिसाइड करता है कि मूवी को किस कंपनी या किस डबिंग स्टूडियो से डब करवाया जाए। फिलहाल में जो बड़ी कंपनियां साउथ की मूवी को हिंदी में डब कर रही है उनमें शामिल है साउंड एंड विजन स्टूडियो, रुद्रा साउंड सॉल्यूशंस, वीआर फिल्म्स जैसी और भी कुछ कंपनियां हैं। इनमें से किसी एक कंपनी को प्रोड्यूसर कॉन्ट्रैक्ट देता है मूवी को डब करने का। उदाहरण के तौर पे गोल्डमैन ने डीजे को साउंड एंड विजन स्टूडियो में डब करवाया और आरके डिजिटल ने लाई को रुद्रा साउंड सॉल्यूशन में डब करवाया। फिर जैसे ही किसी डबिंग कंपनी के पास मूवी आती है तो उस डबिंग स्टूडियो का जो डबिंग डायरेक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि मूवी के एक्टर्स को कौन से डबिंग आर्टिस्ट की आवाज दी जाए। दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी डबिंग आर्टिस्ट किसी पर्टिकुलर स्टूडियो के लिए काम नहीं करता है, वो चाहे तो किसी भी स्टूडियो में जाके किसी भी फिल्म के लिए डब कर सकता है। जैसा कि लाई में नितिन को और डीजे में अल्लू अर्जुन को संकेत मात्रे ने ही आवाज दी है, पर दोनों मूवीज को अलग अलग स्टूडियोज में डब करवाया गया है। मूवी की डबिंग पूरी होने के बाद उसकी एडिटिंग की जाती है और फिर आता है तीसरा स्टेज। इस स्टेज के बाद डबिंग स्टूडियो का काम पूरा हो जाता है, आगे उसका कोई काम नहीं रहता है। अब प्रोड्यूसर को डिसाइड करना होता है कि वो मूवी को पहले थिएटर में रिलीज करवाना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट यूट्यूब या टीवी पे दिखाना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि पहले मूवी थिएटर में रिलीज हो तो यहाँ पे एक और नई कंपनी स्टोरी में आ जाती है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं। फिलहाल में जो दो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स साउथ की मूवीज को थिएटर में रिलीज कर रहे हैं उनमें शामिल है मॉडर्न मूवीज प्राइवेट लिमिटेड और डायमेंशन पिक्चर इंडिया। अब यहाँ पे मूवी का प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि वो मूवी को कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से थिएटर में रिलीज करवाना चाहता है। इस थिएटर रिलीज से होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर आपस में शेयर करते हैं। जैसा कि गोल्डमाइन डीजे की थिएटर रिलीज करवाने वाला है मॉडर्न मूवीज प्राइवेट लिमिटेड से, और आरके डिजिटल ने भी उसी कंपनी को सिलेक्ट किया है लाई को थिएटर में रिलीज करवाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। अब जब मूवी थिएटर में रिलीज हो जाती है उसके बाद प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि वो अब मूवी को टीवी या यूट्यूब पे दिखाएगा।
तो दोस्तों अब आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि डीजे को गोल्ड माइन ही डब कर रहा है और लाई को आरके डिजिटल स्टूडियोस डब कर रहा है, पर दोनों मूवीज को थिएटर में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिलीज कर रही है जिसका नाम है मॉडर्न मूवीज प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।